अखिलेश यादव से मनमुटाव खत्म होने के बाद करीब 7 साल बाद आज शिवपाल सिंह यादव लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की गैर हाजिरी में आयोजित विधायक दल की बैठक की चाचा शिवपाल यादव ने अध्यक्षता की। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अब आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए काम करेगा, हम सबको मिलकर 2024 के लिए मजबूती से मैदान में उतरना होगा। रामचरितमानस पर छिड़े विवाद को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब इस पर विराम लगाने के समय है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी कार्यकर्ता को कोई बयान नहीं देना है। उन्होंने कहा सरकार हर मुद्दे पर विफल है, उसके बावजूद भी जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। शिवपाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर लक्ष्य भी तय किया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हम सबको लोकसभा चुनाव में करीब 40 सीटें जरूर से जरूर जीतना है।